हेलो फ्रेंड्स, आज हम द हिंदू का एक बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका हेडिंग है सर्च फॉर इक्विलिब्रियम अर्थात साम्य अवस्था की खोज। इसके लेखक हैं भारत सरकार के पूर्व विधि मंत्री, भारत के पूर्व कानून मंत्री, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर श्री अश्विनी कुमार। इस एडिटोरियल में न्यायिक समीक्षा के बढ़ते दायरे का औचित्य, संविधानवाद या संविधान की सर्वोच्चता तथा लोकतंत्र के तीन स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाना चाहिए, इस विषय पर यह पूरी चर्चा है। दोस्तों, भारत सरकार के पूर्व कानून मंत्री श्री अश्विनी कुमार जी द हिंदू में लिखते हैं कि भारतीय गणतंत्र की स्थापना के 67वें वर्ष में तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के 70वें वर्ष में आज हम स्वयं को एक अत्यंत चर्चित बहस में व्यस्त पाते हैं। यह बहस इस विषय पर केंद्रित है कि भारतीय संघ राज्य के तीन स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच संविधान द्वारा नियत किए गए अधिकार क्षेत्रों के संतुलन की विद्यमानता किस प्रकार सुनिश्चित रह सकती है। यद्यपि हमारे देश में विस्तारित संवैधानिक स्वतंत्रताओं तथा हमारे लोकतंत्र के लचीलेपन को सदैव प्रशंसा के भाव से देखा जाता रहा है, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली न्यायिक समीक्षा की शक्ति इस बहस का केंद्र बिंदु है। यह विषय हमारे देश के संवैधानिक लोकतंत्र की कार्यविधि के संदर्भ में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह चर्चा इसलिए भी अधिक प्रासंगिक हो उठी है क्योंकि हमारी व्यवस्थापिका व न्यायपालिका के बीच के संबंध आजकल निर्बल प्रतीत हो रहे हैं। गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार की अनुल्लंघनीयता को स्थापित करने तथा गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार की व्याख्या करने के साथ साथ गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार को मूलभूत संवैधानिक मूल्य के रूप में स्थान दिलाने में उच्चतम न्यायालय की प्रशंसनीय भूमिका रही है, फिर भी यह प्रश्न बार बार पूछा जाता रहा है कि नीति निर्माण से जुड़े विषयों पर विधायिका तथा कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्रों में न्यायिक समीक्षा के रूप में न्यायपालिका का हस्तक्षेप किस सीमा तक न्यायोचित माना जाना चाहिए। दोस्तों, आइए देखते हैं कि न्यायिक समीक्षा का मूलभूत सिद्धांत क्या है। भारतीय संविधान द्वारा स्थापित इस न्यायिक समीक्षा की जो व्यवस्था है, इसकी उत्पत्ति के विषय को पूर्णतया समझने के लिए उच्चतम न्यायालय के कुछ सुधारात्मक परिवर्तनकारी निर्णयों का अध्ययन कर लेना आवश्यक है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के ये निर्णय तीन कारणों से महत्वपूर्ण हैं। पहला, कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय भारत संघ राज्य के विधायिका व कार्यपालिका दोनों को अपनी शक्तियों के अनुचित उपयोग से रोकते हैं। दूसरा है कि उच्चतम न्यायालय के ये निर्णय विधायिका व कार्यपालिका को अनुचित भेदभावपूर्ण कार्य करने से रोकते हैं। तीसरा है कि उच्चतम न्यायालय के ये निर्णय सामाजिक आर्थिक अधिकारों का संविधानीकरण, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन करते हैं। 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया था, वह प्रक्रियात्मक निष्पक्षता, प्रोसीजरल फेयरनेस, प्रक्रियात्मक निष्पक्षता का औचित्यपूर्ण तार्किकता का भी विशिष्ट उदाहरण माना जाता है। 1978 के इस मेनका गांधी मामले में कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के उपयोग की संवैधानिकता का विनिश्चय किया गया था। विनिश्चय ये किया गया था कि जीवन जीने का अधिकार मात्र शारीरिक व भौतिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है, वरन जीवन जीने के अधिकार को मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार समझा जाना चाहिए। एम नागराज तथा अन्य बनाम भारत संघ 2006 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया है कि अनुच्छेद 14, जिसमें विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण होता है, दूसरा अनुच्छेद 19 अर्थात स्वतंत्रता का मूल अधिकार, जिसमें वाक तथा अभिव्यक्ति, एकत्रीकरण, संघ निर्माण, कहीं भी आने जाने व बसने तथा जीविका को चुनने की स्वतंत्रता, ये छह प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल होती हैं,
तथा तीसरा अनुच्छेद 21 अर्थात जीवन जीने का अधिकार, जिसमें जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार सम्मिलित होता है। ये तीनों अनुच्छेद, ये तीनों आर्टिकल, आर्टिकल 14, 19 एंड 21, 14, 19 और 21, ये संवैधानिक मूल्यों के पदानुक्रम में शिखर पर विद्यमान हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय किया गया कि मानव गरिमा, समता तथा स्वतंत्रता परस्पर संबद्ध तथा सहसंयोजी अन्योन्य आश्रित मूल्य हैं। वी मार्कंडे व अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1989 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी को संविधान की ऐसी आत्मा की संज्ञा दी थी जो मूल अधिकारों को सार्थक बनाती है, अर्थात डीपीएसपी मूल अधिकारों की आत्मा है। डीपीएसपी मूल अधिकारों को आधार प्रदान करते हैं, डीपीएसपी मूल अधिकारों को सार्थक बनाते हैं, डीपीएसपी मूल अधिकारों को अर्थपूर्ण बनाते हैं। मानवाधिकार संबंधी नियमावलियों की व्याख्या करते समय तथा नागरिकों के भोजन संबंधी अधिकारों, स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों, शिक्षा संबंधी अधिकारों, स्वच्छ पर्यावरण संबंधी अधिकारों, इन सभी को मूल अधिकारों के सहायक स्वरूपों के रूप में निरूपित करते समय भी न्यायपालिका अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग करती आई है और इस प्रक्रिया तथा परिपाटी के द्वारा न्यायिक समीक्षा की न्यायपालिका की शक्ति के आधारों का विस्तार संविधान के कौन कौन से अनुच्छेदों तक माना जाता है, आइए मैं वो अनुच्छेद आपको बताता हूँ। दोस्तों, न्यायिक समीक्षा की न्यायपालिका की शक्ति के आधारों का विस्तार संविधान के आर्टिकल 13, 32, 136, 142, 147 और 226 अर्थात संविधान के अनुच्छेद 13, 136, 142, 147 और 226 में निहित माने जाते हैं। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के मामले में यह भी विनिश्चय किया है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति एक आधारभूत शक्ति है तथा न्यायिक समीक्षा की न्यायपालिका की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का अनिवार्य तथा अपरिवर्तनीय भाग है। न्यायिक समीक्षा क्षेत्राधिकार का विस्तार कहां तक है, आइए देखते हैं। कुछ देर पहले मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा अधिकार के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संज्ञान लेता है, परंतु सामाजिक आर्थिक प्रश्नों से भी परे जाकर उच्चतम न्यायालय ने यदा कदा सरकार के नीतिगत निर्णयों की भी समीक्षा की है। उदाहरण के तौर पर 2G स्पेक्ट्रम तथा कोयला खदान आवंटन के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के निर्णयों की समीक्षा की। 2016 में नवाब रेबिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विधायिका या प्रादेशिक विधानमंडल की कार्रवाई तथा विधानसभा के स्पीकरों के निर्णय की समीक्षा की है, विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय की भी समीक्षा की है। दोस्तों, अगला बिंदु है कि एक संविधान संशोधन विधेयक जिसमें जजों की नियुक्ति के लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC के गठन का प्रावधान किया गया था और जिसको संसद की स्वीकृति भी प्राप्त हो गई थी, ऐसे संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन को भी उच्चतम न्यायालय ने शून्य घोषित कर दिया था। पांचवा उदाहरण है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट आफस्पा, AFSPA, आफस्पा के मुद्दे पर मणिपुर पुलिस या केंद्रीय सुरक्षा बलों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग की अनुमति पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। उपयुक्त पांचों परिस्थितियों से यह स्वतः स्पष्ट होता है कि उच्चतम न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति उन नए क्षेत्रों तक भी विस्तारित होती जा रही है जो अभी तक विधायिका तथा कार्यपालिका के विशिष्ट अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत माने जाते रहे थे। न्यायपालिका के न्यायिक समीक्षा अधिकार की
अधिक व्यापकता के जो पक्षधर विद्वान हैं वो कहते हैं कि यह न्यायिक समीक्षा 1956 में डायसी के सिद्धांत डायसीज प्रिंसिपल में उल्लिखित कानून के शासन की अवधारणा रूल ऑफ लॉ को न्यायिक समीक्षा आगे बढ़ाती है, रूल ऑफ लॉ को न्यायिक समीक्षा मजबूत बनाती है और इसलिए न्यायिक समीक्षा जारी रहनी चाहिए। न्यायिक समीक्षा न्याय जिस नींव पर खड़ा होता है उसके आधार को पुष्ट करती है। न्यायिक समीक्षा लोकतंत्र की भावना को सशक्त बनाती है। न्यायिक समीक्षा केवल उन्हीं विकल्पों का उन्मूलन करती है जो कि स्पष्टतया अतार्किक तथा लोकतंत्र से असंगत होते हैं। लोकतंत्र के प्रति संगत तथा लोकतंत्र के प्रति असंगत सिद्धांतों की व्याख्या 1986 में रोनाल्ड डॉर्किन नाम के विद्वान ने अपने सिद्धांतों के अनुसार की थी। एथेंस के लोकतंत्र द्वारा सोक्रेटीज को मृत्युदंड दिए जाने का उल्लेख करते हुए ये तर्क दिया जाता है कि स्वतंत्रता प्रिय लोकतंत्रों लिबरल डेमोक्रेसीज को स्वयं की सुरक्षा इस प्रकार करनी चाहिए जिससे लोकतंत्र का अनर्थ लोकतंत्र का विरूपण भीड़ तंत्र के शासन के रूप में न हो जाए। जेम्स मेडिसन ने द फेडरलिस्ट पेपर्स जेम्स मेडिसन नाम के विद्वान ने द फेडरलिस्ट पेपर्स नाम के एक पत्र में लोकतंत्रों द्वारा प्रदत्त मूलभूत नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑक्सिलरी प्रोटेक्शंस सहायक सुरक्षा उपायों को अपनाने पर बल दिया है। जेम्स मेडिसन ने द फेडरलिस्ट नाम के एक पेपर में। आगे दोस्तों अगला मुद्दा है न्यायिक समीक्षा की सीमाएं। संसदीय लोकतंत्रों में मान्यता रही है कि जनता अपनी संप्रभुता का उपयोग चुने गए प्रतिनिधियों के निकाय के माध्यम से करती है, अर्थात संसद के माध्यम से करती है। नियुक्त किए गए न्यायाधीशों के माध्यम से जनता अपनी संप्रभुता का उपयोग नहीं करती है। न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की शक्ति की सीमाएं निर्धारित किए जाने के विषय में प्रश्न उठाए जाते रहे हैं और न्यायिक सर्वोच्चता न्यायिक अतिरेक अर्थात जुडिशियल एक्सेसिविज्म या जुडिशियल अधिनायकवाद या न्यायिक तानाशाही जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता रहा है। इन सभी शब्दों को प्रजातंत्र तथा प्रजातंत्र के प्राथमिक सिद्धांतों से विरोधाभासी माना जाता रहा है। न्यायिक समीक्षा के विरुद्ध ये तर्क दिया जाता है कि संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक समीक्षा समान रूप से संविधान के मूल ढांचे का भाग हैं, एक समान वैल्यू है दोनों की, अर्थात संसदीय लोकतंत्र भी संविधान के मूल ढांचे का उतना ही आवश्यक भाग है जितना आवश्यक भाग न्यायिक समीक्षा है। संसदीय लोकतंत्र के प्रावधान भारतीय संविधान में स्पष्टतया वर्णित हैं, यद्यपि न्यायिक समीक्षा का उल्लेख भारतीय संविधान के किसी प्रावधान में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है। फिर भी संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था न्यायिक समीक्षा के अधिकार को निर्बल या प्रतिबंधित नहीं कर सकती, कमजोर नहीं कर सकती। इस रूप में संविधान के मूल ढांचे का भाग होने के कारण संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक समीक्षा समान रूप से महत्वपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत के अनुसार विद्यमान रहेंगे। कुछ नवीनतम फैसलों में उच्चतम न्यायालय ने स्वतः ही न्यायपालिका के प्रति बढ़ती जनता की आकांक्षाओं व अपेक्षाओं का भी उल्लेख किया है। 2016 में संतोष सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने विद्यालय के स्तर पर नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम के अनिवार्य विषयों में शामिल करने के विषय पर मैंडेमस अर्थात परमादेश जारी करने का आग्रह करने वाली जो एक PIL दाखिल की गई थी, लोक हित मुकदमा दाखिल किया गया था, उसको विचार के लिए स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। NJAC के मामले पर
दिए गए भावपूर्ण प्रतिपादन में एनजेएसी के मामले में दिए गए अपने भावपूर्ण प्रतिपादन में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जे चेलामेश्वर ने अपने अल्पमत के निर्णय में मूलभूत सिद्धांतों की रक्षा कर पाने में विधायिका के चुने गए प्रतिनिधियों के प्रति अविश्वास को खारिज करते हुए कहा कि यह मानना या यह कहना कि केवल मात्र न्यायपालिका अकेले ही नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के प्रति चिंतित या सतर्क है तथा नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा केवल न्यायपालिका ही कर सकती है, यह कहना हठधर्मिता है, प्रमाणों के विरुद्ध है, अन्यायपूर्ण तथा ऐतिहासिक रूप से एक असत्य धारणा है। राष्ट्रपति महोदय द्वारा एक बार परामर्श मांगे जाने पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने न्यायिक परामर्श दिया था कि संविधान एवं विधानमंडल जो कि जनप्रतिनिधियों के निकाय होते हैं, अतः अपेक्षा की जाती है कि संसद तथा विधानमंडल जनता की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं व आकांक्षाओं से परिचित हैं और इसलिए उन्हीं को जनता के भले बुरे पर विचार विमर्श करना चाहिए। संसद तथा विधानमंडलों के विवेक से जुड़े मामलों पर निर्णय लेने के लिए न्यायालय को नहीं बैठना चाहिए। ये सुझाव, ये मत सुप्रीम कोर्ट ने भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एक न्यायिक परामर्श मांगे जाने पर दिया गया था। अपने एक नवीनतम निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर जनहित याचिका PIL स्वीकार करने से मना कर दिया था कि केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर राज्य में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था आदि के विषय में खर्च करने से रोका जाए। इसको विचारार्थ स्वीकार करने से मना करते समय उच्चतम न्यायालय ने इस रिट को न्यायिक रूप से अप्रबंधनीय बताया, नॉन मैनेजेबल बताया। अब दोस्तों हम देखते हैं मध्य मार्ग क्या है, बीच का रास्ता क्या है न्यायिक समीक्षा के मुद्दे पर। प्रसिद्ध अमेरिकी न्यायविद बेंजामिन कार्डोजो ने वर्षों पूर्व ही सचेत किया था कि संविधान के संदर्भों में बहुमत की राय या बहुमत आधारित व्यवस्थाएं सदैव ही पूर्णतया तार्किक या न्यायपूर्ण होनी चाहिए, इसको सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा 1921 में एक पत्र पब्लिश हुआ जिसका नाम है नेचर ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस नाम की पुस्तक है जो बेंजामिन कार्डोजो ने लिखी है। उन्होंने कहा था कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सशक्त रूप से प्रचारित व प्रचलित विचारों की प्रभावपूर्ण लहर आमतौर पर आम आदमी को तो सम्मोहित कर लेती है, परंतु न्यायाधीश ऐसी प्रचलित लोक मान्यताओं के प्रभाव में नहीं आते। ऐसे विद्वान जो कि लोकतंत्र के सीमित दायरे में न्यायिक समीक्षा का समर्थन करते हैं, वे मानते हैं कि न्यायपालिका लोकतंत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ निस्वार्थ तथा आदर्शवादी अभिभावक की भांति है। 1996 में जॉन हार्ट एली की पुस्तक ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड, ये पुस्तक का नाम है, इसमें कहा गया है कि सीमित दायरे में ही न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए। इसके पक्षधर कहते हैं कि यदि न्यायपालिका अपना ध्येय या उद्देश्य यह मानने लगे कि न्यायपालिका को चुने हुए अधिकारियों के कार्यों में सुधार करना है, तो न्यायपालिका का विधायिका के शत प्रतिशत कार्यों में ऐसा हस्तक्षेप लोकतंत्र की मूल भावना से असंगत होगा। यदि विधायिका के कार्यों तथा न्यायपालिका की सोच में दूरी हो, तब भी लोकतंत्र में अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जनमत की सोच तथा जनता से निकट संपर्क रखने वाले जनप्रतिनिधियों की सोच क्या है। इस संदर्भ में न्यायाधीश यदि किन्हीं विशिष्ट कदमों को उचित मानते हैं या किसी विशेष विषय पर न्यायाधीश विधायिका से अधिक विशेषज्ञता रखते हैं, तो इन बातों पर कोई एकतरफा दृष्टिकोण रखने से बचा जाना चाहिए। भारत के संसदीय लोकतंत्र में न्यायिक समीक्षा की सीमाओं पर वाद प्रतिवाद करती हुई जो बहस इस समय जारी है, वह गंभीर दार्शनिक मुद्दों में उलझकर रह गई है। ये गंभीर दार्शनिक मुद्दे जो बहस के मुद्दे हैं, वो हैं कि क्या प्रतिनिधि व्यवस्था वाले प्रजातंत्र की प्रकृति
कैसी होनी चाहिए, प्रतिनिधि व्यवस्था वाले लोकतंत्र की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, क्या अपरिहार्य तथा मूलभूत व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को क्षणभंगुर या अस्थाई बहुमतों के आवेग से पृथक रखा जाना चाहिए क्या। भाई देखिए, दो चीजें हैं इसमें। कहा गया है कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हैं वो तो हैं अनिवार्य, अपरिहार्य तथा मूलभूत, वो परमानेंट हैं। जबकि जो विधायिकाओं के बहुमत होते हैं, बहुमत जो कि नंबर्स का एक खेल होता है, एक संख्या का बल होता है, संख्या बल अस्थाई होता है, क्षणभंगुर होता है, तो क्या मूलभूत व अपरिहार्य व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को बहुमत के आवेगों से पृथक रखा जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये दोनों जो है बहुत ही दार्शनिक प्रकार के मुद्दे हैं, ये कहा यहाँ पर अश्विनी कुमार जी कहते हैं। श्री अश्विनी कुमार कहते हैं कि अपने स्वयं के राजनीतिक तथा न्यायिक अनुभवों के आधार पर निम्नलिखित चार प्रश्न अश्विनी कुमार जी उठाते हैं। पहला प्रश्न है, क्या न्यायिक सर्वोच्चता तथा न्यायिक स्वायत्तता का संविधान की सर्वोच्चता या संविधानवाद के साथ संतुलन बैठाने के लिए न्यायालयों की मूल अधिकारिता ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का उपयोग किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो क्या न्यायिक सर्वोच्चता या न्यायिक स्वायत्तता तथा संविधान की सर्वोच्चता, इन तीनों में संतुलन स्थापित करना विशुद्ध रूप से न्यायपालिका का ही दायित्व बनकर रह गया है। दूसरा प्रश्न है, यह तो सर्वविदित है कि न्यायालय इंटरप्रिटेटिव निर्णय जो देते हैं वो इंटरप्रिटेटिव निर्णय वो अचूक होते हैं, विस्तारपूर्ण होते हैं, तब भी क्रियाशील प्रजातंत्र के ढांचे के अंतर्गत रहते हुए संविधान अचूकता की व्याख्या करने वाले न्यायिक निर्णयों के प्रति असहमति की दशाओं का हम क्या समाधान करें। सरल शब्दों में कहूं तो ये कहना होगा कि यद्यपि न्यायालय के निर्णय पर्याप्त रूप से स्पष्टता पूर्वक प्रतिपादित किए जाते हैं, तब भी जो संबंधित पक्ष न्यायालय द्वारा की जाने वाली संविधान की व्याख्याओं से कतिपय असहमति रखते हैं, उनकी असहमति की भावनाओं को कैसे दूर किया जाए, ये बड़ा प्रश्न है। दोस्तों, तीसरा मुद्दा जो उठाया है वो ये है कि कार्यकारी पदों पर बैठे हुए राजनेता जो कि विश्वसनीयता के संकट से जूझ रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या न्यायपालिका को देश के सहयोगी शासक की भूमिका खुलकर निभानी चाहिए, ये भी मुद्दा है। दोस्तों, अगला मुद्दा है, हमारी लोकतांत्रिक विचारधारा में दो न्यूनताएं हैं, दो कमियां हैं, जिसके कारण न्यायपालिका की शक्तियों को सीमाएं सुनिश्चित करने में समस्या आती हैं। पहली कमी है उदासीनतापूर्ण संवेदनहीनता की भावना, और दूसरी कमी है अनाधिकृत अतिक्रमण की प्रवृत्ति। तो दोस्तों, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों ही समय समय पर प्रधानता पूर्वक अस्तित्व में विद्यमान प्रतीत होने लगती हैं। उदासीनतापूर्ण संवेदनहीनता तथा अनाधिकृत अतिक्रमण, इन दोनों प्रकार के अतिरेकों से बचकर इसके बीच साम्यवस्था कैसे स्थापित करें, संतुलन कैसे स्थापित करें, यह भी हमारा प्रश्न है, यह भी एक चुनौती है। इन सब प्रश्नों के उत्तर खोजने की प्रक्रिया में यह स्वयं सिद्ध हो जाता है कि स्पष्ट हो जाता है कि अपने राष्ट्रीय संसदात्मक लोकतंत्र के अन्य दोनों अभिन्न स्तंभों अर्थात कार्यपालिका व व्यवस्थापिका की न्यायपालिका द्वारा न्यायिक समीक्षा किया जाना एक प्रकार से आत्म अन्वेषण अर्थात आत्म आलोचना करके स्वयं का ही परिष्कार या आत्मनिंदा के माध्यम से भारत के स्वतंत्रता मूलक स्वतंत्रता प्रिय लोकतंत्र की सभी संस्थाएं अंततः स्वतः ही सशक्त बनती चली जाएंगी। इसलिए न्यायिक समीक्षा आवश्यक प्रतीत होती है। 2015 में प्रकाशित जॉस ए चाब्रनेस नाम के विद्वान की पुस्तक कहती है कि न्यायपालिका
को न्यायिक निर्णय देने वाली निकाय के रूप में कार्य करने के साथ साथ देश के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य भी करना चाहिए। इन परिस्थितियों में हमें न्यायालय के प्राधिकारों के महत्व को स्वीकारना ही चाहिए। न्यायपालिका के न्यायिक निर्णयों की सघन स्वीकार्यता है जनता के बीच संविधानवाद या संविधान की सर्वोच्चता की सामान्य समझ पर इस श्रद्धा को, इस स्वीकार्यता को आधारित न मानकर न्यायिक निर्णयों की पवित्रता व विश्वसनीयता के परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए। आसान शब्दों में कहें तो समझ लेना चाहिए कि न्यायिक निर्णयों की जनता के बीच व्यापक स्वीकार्यता इस कारण से नहीं है कि जनता संविधान के प्रावधानों की कोई समझ रखती है, ऐसा नहीं है। साथ ही संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करने वाले संविधानवाद की कोई विशेष जानकारी जनता रखती है, ऐसा भी नहीं है। फिर भी न्यायपालिका के निर्णय जनता के लिए श्रद्धा का विषय है, क्योंकि इसका कारण है न्यायपालिका की ईमानदारी पूर्ण तथा आदर्शवादी विश्वसनीय छवि में जनता का अटूट विश्वास है। दोस्तों, लोकतंत्र के सर्वोच्च मंच के रूप में संसद तथा संसद के सदस्यों अर्थात सांसदों के प्रति विश्वास का बढ़ता संकट, जन सामान्य के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के विषय पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा व्यवहार में लाई गई कथित असंवेदनशीलता तथा राजनीतिक दलों की व्यवस्था के सतत रूप से क्षरण तथा आदर्शवादी नैतिकता के संकट के समय में इन तीनों कारणों से ही, अर्थात ये तीन कारण हैं जिनकी वजह से न्यायिक समीक्षा का दायरा विस्तारित होता जा रहा है। न्यायिक समीक्षा का दायरा विस्तारित तीन कारणों से होता जा रहा है कि लोकतंत्र के सर्वोच्च मंच के रूप में संसद तथा सांसदों के प्रति अविश्वास बढ़ता जा रहा है। दूसरा कि जन सामान्य के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के बारे में प्रशासनिक अधिकारी कथित रूप से असंवेदनशीलता दर्शाते हैं। और तीसरा कि राजनीतिक दलों की व्यवस्था की जो आदर्शवादी नैतिकता थी उसका सतत रूप से क्षरण हो रहा है। इन तीनों कारणों से ही न्यायिक समीक्षा का दायरा स्वतः विस्तारित होता जा रहा है। तो दोस्तों, ये हमारा पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो गया है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसके लिंक को अपने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दोस्तों, इस हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नित्य नए एडिटोरियल्स के वीडियोज के लिंक आपकी ईमेल आईडी के इनबॉक्स पर ऑटोमेटिकली सेंड होते रहें। सब्सक्राइब करने वालों को निःशुल्क बिना किसी फीस के ये सुविधा मिलती है कि जब वो सब्सक्राइब करते हैं उसके बाद से जो मैं नया एडिटोरियल जैसे ही अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर, उसका लिंक ऑटोमेटिकली उनके इनबॉक्स में, ईमेल आईडी के इनबॉक्स में पहुंच जाता है जीमेल पर। और यदि वे प्रतिदिन एडिटोरियल के वीडियो यूट्यूब पर ना भी देख पाए तो किसी विशेष दिन अपनी ईमेल आईडी का इनबॉक्स जीमेल पर खोलकर उसमें दिए गए प्रत्येक लिंक पर क्लिक करके सभी एडिटोरियल्स को एक साथ देख सकते हैं। आपकी कोई भी एडिटोरियल मिस नहीं होगी। दोस्तों, इसलिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए, अपने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स पूछिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।